राजू जल्दी चलना। अरे चलता हूँ रे पापा। So, आज से 1.5 साल पहले मैंने अपना आखिरी व्लॉग शूट किया था। उसके बाद कोरोना आ गया और मैं व्लॉग ही शूट नहीं कर पाया, और ये जो वीडियो था मुझे पिछले 2 साल से शूट करना था। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ एंड यू गाइस आर वाचिंग एक्सोटिक पैलेट द फूड बेयर्स ऑफ भोपाल। और आज हम करने वाले हैं 100 रुपीज़ फूड चैलेंज। सो 100 रुपये चैलेंज का मतलब यह है कि पूरे दिन भर का खाना सिर्फ 100 रुपये में हमको कंप्लीट करना है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, सुबह की चाय हो, लंच हो, शाम की चाय हो, डिनर हो, इन सबको मिला के हमारा दिन का बजट सिर्फ हमको मिला 100 रुपये और सब कुछ खत्म करना है। मैं हवा में तेरे को उड़ा देता हूँ। बट 100 रुपये चैलेंज में ना कुछ रूल्स हैं। पहला रूल कि तुम जोमैटो और स्विगी से बिल्कुल ऑर्डर नहीं कर सकते। जो दूसरा रूल है वो काफी सिंपल है, आप अपने घर से एक पानी की बॉटल भर के चल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये रहे कुछ रूल्स, एंड नाउ वी शैल बिगिन दिस 100 रुपीज का चैलेंज। वो तरुण से 100 रुपये लेने हैं यार, उस दिन के पार्टी के ले लेते हैं, फिर उसके बाद चैलेंज कर लेते हैं, पैसे भी आ जाएंगे, है ना? सही है। अगर तू चैलेंज हार गया हाँ तो फिर क्या, फिर क्या क्या लेगा तू? पूछा नहीं कि अगर मैं चैलेंज जीत गया तो मैं क्या लूंगा? तो मुझे क्या पता, चैनल तेरा है, तू बताएगा भाई। अब तो देना पड़ेगा ना, जब मैं कुछ दे रहा हूँ तेरे को तो तुझे भी कुछ देना पड़ेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। ये मैं हूँ, ये मेरा बटुआ है, और बटुए में सिर्फ 100 रुपये हैं और मेरा फूड चैलेंज चल रहा है। अभी हैं हम जैन नमकीन पे, पर हम उसके बाजू वाले दुकान में जाएंगे आनंद नमकीन पे, जहाँ पे हमारा पहला सुबह का नाश्ता होगा। और अभी बज रहा सुबह के 10, मैं करने वाला हूँ चाय और पोहा। एक चाय और एक पोहा। क्या ऑर्डर किया हमने? किया है एक चाय और एक पोहा। पोहा जो है वो है 11 रुपये का और चाय वो है 8 रुपये का, मतलब 100 रुपये से 19 रुपये खर्च हो चुके हमारे। अंकल सब कुछ सही है, दुकान के बाहर पोस्टर क्यों नहीं लगा आपके? लगा रहे हो? थैंक यू भैया। तो ये रही हमारी चाय, ये रही हमारा पोहा। चाय थी 8 रुपये की, पोहा था 11 रुपये का, तो मतलब 19 रुपये का खर्चा हुआ। अभी भी हमारे जेब में 81 रुपीज़ पड़े और हमें दिन भर का खाना निकालना। तो दिन का पहला खाना चालू करते हम लोग, पर ये चालू करने से पहले हाथ को सैनिटाइज कर लिया जाए, कोरोना काल चल रहा है। लग रहा है देख, छोटा सा क्विक रिव्यू है आनंद नमकीन के पोहे और चाय के बारे में। मुझे लगा था काफ़ी कम क्वांटिटी आएगी, बट बहुत ही सही क्वांटिटी है, चाय भी बढ़िया है, एंड मुझे लगता है कि एक इंसान के हिसाब से ये ब्रेकफास्ट काफ़ी सफिशिएंट है, तो लंच तक का काम तो इजीली चल जाएगा। अरे ब्रेकफास्ट तो हो चुका है मेरा, और 19 रुपये के हिसाब से ना ये ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अभी मैं घर जा रहा हूँ और आपसे मिलता हूँ लंच टाइम पर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो अभी हम लोग हैं प्रगति हॉकर्स कॉर्नर पे, यहाँ प्रगति चौपाटी पे तुम बोल सकते हो, और हम यहाँ पे जाने वाले हैं पायल भोजनालय पे, क्योंकि यहाँ पे हमको मिला है क्रेजी डील मिली है, और क्या बोलूँ, मतलब सबसे रीजनेबल आइटम मिला है, जो कि वो है आई एम टेलिंग यू, ये जो डील है ना क्रेजी डील है। 8 पूड़ी, अचार और आलू की सब्जी, वो भी सिर्फ 25 रुपये में। मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर डील कुछ मिलने वाली है अपन को। क्वाइट नाइस है, अपन भंडारे में खाते वैसा टेस्ट आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमारे अभी टोटल खर्चे हुए 100 रुपये में से 19 रुपये का हमारा नाश्ता था और 25 रुपये का हमारा लंच था, तो जो कि मैं अभी खा रहा हूँ। 25 + 19 = 44, तो अभी भी हमारे पॉकेट में 56 रुपीज़ हैं, और हमको अभी हमको शाम का नाश्ता करना है, रात का डिनर करना है।
ये चैलेंज है कि रात का डिनर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। टॉरेंस ने मुझसे जबरदस्ती बोला, मैंने कहा भाई मेरा पेट भर गया, नहीं भाई चैलेंज है, 8 पूड़ी तो खानी पड़ेगी तेरे को। और मेरा डाइट है भाई, मैं तो 2 पूड़ी में मेरा पेट भर जाता है। मैं पर फ्लोरेंस की डाइट के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर एक बेसिक इंसान 10 पूड़ी खा सकता है क्योंकि फ्लोरेंस 12 खा सकता है। तो मेरी 2 पूड़ी के, पर हाँ ये एक इंसान के लिए काफ़ी सफिशियंट लंच है, मोर देन लंच है भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। मैं अभी आया हूँ शाम की चाय लेने, शाम के ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो अभी हम लोग लेंगे 8 रुपये की चाय और उसके साथ 2 रुपये का पार्ले। ऐसे कॉस्ट कटिंग चल रही है हमारे पेट भरने की। तो ये रही चाय, ये रहा बिस्किट और ये मेरा शाम का ब्रेकफास्ट है। मैं इसलिए इतना लाइट ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ क्योंकि 8 पूड़ी खाने का मेरे पेट में कोई जगह नहीं बची थी। बट ये जो शाम का ब्रेकफास्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने पूरे डे के मील का, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। This audio will completely get out. हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, हमारा लंच हो चुका है, शाम की चाय हो चुके और अभी बज रहे रात के 9:30 और मैं खड़ा हूँ विशाल मेगा मार्ट के सामने हमारा डिनर करने के लिए। दिस इज रियली गुड फॉर ₹40, ये बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड सफिशेंट है डिनर के हिसाब से। मतलब अगर मैं इसको लंच में भी करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है। और ये जो शॉप है इसका नाम है कृष्णा वेज बिरयानी, जो विशाल मेगा मार्ट के सामने है और बिरयानी एक्सप्रेस के जस्ट सामने। ये सिद्धार्थ अभी में आ गया है आइसक्रीम खाने के लिए, पर उसको पता ही नहीं है। भैया एक बादाम रस्ता कुल्फी क्या पता ही क्या? 20 वाली है, 10 वाली नहीं है। हाँ तो ये तुम्हारा समस्या है। तो आज का ये जो फूड चैलेंज है ना वो कंप्लीट हो चुका है और मैं ये फूड चैलेंज ना जीत चुका हूँ। ऐसे कैसे जीत गया तू? अबे 11 का पोहा था, 9 की चाय, ये हो गए 19 रुपये अपने ब्रेकफास्ट के जो सुबह 10 बजे के आसपास करे अपन ने, ठीक है ना। फिर अपन ने 2:30 से 3 बजे के बीच में अपना लंच किया जो 25 रुपये की पूड़ी सब्जी थी, ठीक है। फिर शाम की चाय करी जो थी 7 रुपये की, टोटल कितना हुआ? और थी अपनी 2 रुपये का पार्ले जी, तो अपना हो गया 9 रुपये। तो अब अपन इन सबको जोड़ लेते हैं अपन पहले, ठीक है। 11 प्लस 9 हो गए 19, 19 प्लस 25 हो गए 44, 44 प्लस 9 कितने हुए? 53 हुए। और अपन ने जो डिनर किया वो थी अपनी बिरयानी, वो थी कितने की? 40 रुपीस की। तो 53 और 43 कितने हुए? 93, ठीक है। फिर मैंने कही 10 रुपये की कुल्फी और जो हो गया एक और भाई 3 रुपये से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना भाई। ये रहा फोन, वो देख रहे हो ना इधर तो। अरे नहीं दे दे नहीं, अरे दे दे, अरे यार मेरा हो गया, दे चल दे। अरे पैनासोनिक तो दे दे मेरे को। अरे चल भाग यहां से। अरे यार काम कर, फोन में तेरा फोन रख ले भाई। 3 रुपए ले ले मेरे से तू जी, मैं ये ले 3 रुपए। नहीं चल चल। अरे भाई 3 रुपए ले ले, नाटक मत कर, चल मैं जा रहा हूं। अरे पैसे नाटक मत। अरे भाई 3 रुपए ले ले, चल भाग यहां। अरे भाई 3 रुपए के लिए फोन लेगा क्या? तेरा फोन मेरा हो गया, अब तू चले यहां से। अरे सुनो सुनो, काम करो ना, तुम निकल जाओ। चलो गाइस, ये जो चैनल है एक्सोटिक पैलेट का, या मेरा हो चुका है, सिद्धार्थ को मैंने यहाँ से भगा दिया है। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ये चैनल मेरा हो गया तो अब मैं थोड़े से पैसे निकाल के इसको दे दूँगा, ये अपनी खुद की दुकान खोल लेगा पास्ता की। अब मैं चलता हूँ, ठीक है। तो तुम देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है भाई। मैंने जिंदगी के मेरा आखिरी 100 रुपये का ना मैंने चैलेंज कर लिया था। और ये फोन मेरा हो गया और तुम अब जा सकते हो। 3 रुपये ले लेना भाई, 3 रुपये से चैलेंज आ रहा भाई। निकल जा, निकल जा, निकल जा। ये पार्क भी मेरा, ये एक्सोटिक पैलेट भी मेरा, दुकान मेरी है, आ रही है जल्दी दुकान, तू रुक रुक। सो दैट्स ट्रू कि फ्लोरेंस हैज टेकन ओवर दिस चैनल, बट जोक्स अपार्ट ही इज पार्ट ऑफ द एक्सोटिक पैलेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
that we are the co-founders of our Cloud Kitchen Exotic Palette, which will go live tomorrow in the evening. So that's a huge thing for us because हम लोग बहुत time से दो महीने से सिर्फ इसी चीज़ की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग मैं इसलिए active नहीं था पूरे Instagram पे ना YouTube पे कि मैं हम दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे कि हम लोग अपना क्लाउड किचन खोले एंड फाइनली कल शाम को हम लोग लाइव जा रहे हैं Zomato पे. सो अगर आप भोपाल से हैं सो प्लीज़ प्लेस ऑर्डर बिकॉज वी आर प्रेजेंटिंग सम लग्जरी डिलीशियस फूड एट नॉट सो लग्जरी प्राइस. सो बहुत अच्छा खाना है, ऑर्डर प्लेस करना. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये चैलेंज अच्छा लगा, सो प्लीज़ गो वॉच दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड आप अपने साइड का चैलेंज पोस्ट कीजिए, 100 रुपये का कुछ भी कीजिए, दिन भर का खाना है, 100 रुपये में कितना खा सकते हैं आप, ये पोस्ट कीजिए अपने साइड का चैनल. प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको वीडियो कैसा लगा. मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में. एंड अभी कंटेंट चेंज होने वाला है बिकॉज अब मेरा एक किचन है, मेरा एक रेस्टोरेंट टाइप का है जहाँ से मैं फूड डिलीवर कर रहा हूँ. सो पूरा कंटेंट वहाँ पे शिफ्ट होगा. सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, पीस आउट.